हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और सुरक्षित अपने घर पे होंगे। तो मुझे आज ये पार्सल रिसीव हुआ है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट नंबर आइटम है, ये वाली ड्रेस 2 नंबर के गोपाल जी की आई थी। इसके साथ ये पटका है, चोली इसी के साथ अटैच्ड है। ये 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस, ये 6 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस मैंने मंगवाई थी प्योर कॉटन में। अभी गर्मियां बढ़ रही हैं तो आपको पता है अब कॉटन ही पहनाना शुरू करेंगे। इसके बाद मैंने मंगवाया था सिंहासन शालिग्राम जी के लिए। मेरे पास 2 शालिग्राम जी हैं तो उनको मैंने विराजमान करना है इन पे। और इसके बाद मैंने मंगवाया था ये ग्रीन वाली मोती की माला, ये 3 हैं, तीनों अलग हैं, साइज़ बहुत अच्छा है, आप भी वेयर कर सकते हैं, अपनी जुगल जोड़ी को भी वेयर करवा सकते हैं। बाद मैंने मंगवाया था ये बन, गजरा बन मंगवाया था आर्टिफिशियल, दीदी के पास ये था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने मंगवा लिया। ऐसा ही गजरा बन राधा रानी जी के लिए भी था, बट अभी स्टॉक में नहीं था और मेरी राधा रानी जी का साइज़ भी मुझे नहीं पता था कि क्या है, क्या कितना आएगा। एक मैंने अपने लिए मंगवाया ये, और दूसरा मैंने इसके बाद मंगवाया ये तुलसी प्लांट। ये तुलसी प्लांट मिला मुझे, बहुत प्यारा, ये देखिए आप इसे मंदिर में रख सकते हैं जहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी को बिठाते हैं वहाँ पे। इसके बाद मैंने मंगवाई है पगड़ीज, ये देखिए नंबर 1, 2, 3, ये मुझे बहुत प्यारी लगी, ये मैंने ड्रेस पे मंगवाई है, ये देखिए कितना प्यारा काम है। और ये जो इसका अंदर का कैप रहता है ये प्लास्टिक में रहता है, ये और एक येलो और रेड कलर का। ये मेरे पास बांधनी ड्रेस है और ये मुझे बहुत प्यारी लगी, एक ही पीस था इसलिए मैंने एक ही मंगवाया, अभी आगे मुझे मिलेगा तो मैं और मंगवा लूँगी। ये मंगवाई थी और इसके बाद मैंने ये सेट मंगवाए हैं, ये 1, 2, ये 2 स्टोन मुझे मिले हैं साथ में, निकल गए हैं क्योंकि डेलिकेट ज्वेलरी होती है, इधर उधर पार्सल में कभी इधर फेंका जाता है उधर फेंका जाता है, तो ये निकल चुका है बट मैं इसे लगा लूँगी, बहुत प्यारा है। मैं आपको इसको नज़दीक से दिखाती हूँ, कितना प्यारा है। ये भी मैंने अपनी जुगल जोड़ी के लिए मंगवाया है। और इसके बाद है ये छोटे छोटे आइटम, मैंने बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगवाया था बट जो मुझे पसंद आया था मैंने उतना ही मंगवाया, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने एक सेट मंगवाया था मल्टी कलर का, एक ये है इसी के साथ का, एक मैंने और मंगवाया था, ये 4 नंबर और 6 नंबर के लिए मैंने मंगवाया था, मेरे जो गोपाल जी हैं 4 नंबर और 6 नंबर। उसी के साथ में मैंने पायल मंगवाई, पहले धागे वाली पायल भी आती थी जिसको आप जैसा नेकलेस होता है वैसे आप उसको पहनाते हो, बट वो मेरे गोपाल जी के नहीं टिक पाती थी। तो ये देखिए ये रबड़ वाली है, ये आप एक बार पहनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप एक बार पहनाएंगे जैसे वैसे ही रहेगी। इसमें मैंने ग्रीन कलर, येलो कलर और एक रेड कलर मंगवाया था। और उसी के साथ में मैंने अपने 2 नंबर के गोपाल जी के लिए ये छोटे छोटे से सेट मंगवाए थे 2, ये मुझे बहुत प्यारे लगे, ये देखिए ये 2 मैंने मंगवाए, बहुत प्यारे लगे मुझे। और इसके बाद मैंने ये वाला सेट मंगवाया था, अब ये देखना पड़ेगा ये 2 नंबर या 4 नंबर को आता है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और एक मैंने 2 नंबर के कान्हा जी के लिए ये मंगवाई माला, और साथ में मैंने मंगवाए हैं नज़रिए, ये वाले नज़रिए का पूरा सेट मेरे पास नहीं था, नज़रिए के वैसे कंगन मेरे पास थे बट ये पूरी माला ये सारा कुछ मेरे पास नहीं था। इसके बाद मंगवाया है मैंने तिलक, ये येलो तिलक है, ये रेड तिलक है,
और ये अभ्यंग पेस्ट मैंने मंगवाया था, और इसके बाद मैंने मंगवाए थे दो जोड़ी हेयर, ये 6 नंबर के गोपाल जी की है, बहुत प्यारे कर्ल्स हैं, बहुत प्यारी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेंथी भी अच्छे हैं, और ये 4 नंबर के गोपाल जी के, क्वालिटी वाइज मुझे बहुत प्यारे लगे। अगर होगा तो मैं नेक्स्ट ऑर्डर में आपको बताऊंगी, मैं और भी मंगवा लूँगी। और इसी के साथ मैंने मंगवाया है ये तिलक के लिए स्टैंड है, अभी बहुत अच्छी तरह से बंद है, मैं अभी इसे खोल नहीं पाऊँगी। ये एक साइड आप सिंदूर डाल सकते हैं, या डेली में आप जो भी तिलक यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं, एक तरफ आप चावल डाल सकते हैं। जब भी आपको तिलक करना हो तो इजीली आपको बार बार चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ेंगी, आप इसी में बना के रखेंगे, थोड़ा सा अपना फिंगर को गीला करके इसमें टच करके आप तिलक लगा सकते हैं। और इसके बाद मुझे रिसीव हुआ है, मैंने किट मंगवाई थी, ये 4 का सेट है, वैसे 5 का सेट था बट मुझे 4 मिली है। ये एक साइज है, देन ये सेकंड साइज है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, सबसे छोटा। आप इसको ठाकुर जी का सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तिलक रखने के लिए, पगड़ीज रखने के लिए, या आप अपना कॉस्मेटिक रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ये रिसीव हुए हैं। अच्छा, इसमें अच्छा हार्ड वाला बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए सभी में, तो इतनी ये ख़राब नहीं होंगे वैसे। और ऐसी ही पाउचेज आपको पता है मैंने अपने कान्हा जी की ड्रेसेस के लिए भी मंगवाए हैं, तो मेरे पास ये मैचिंग मैचिंग हो गया। और ये था मेरा आज का सारा सामान, आपको कैसे लगी मेरी वीडियो।